सरकार से चाहता क्या है? वो चाहता है कि बजट आए और बजट में उसके हिसाब से चीज़ों को तय किया जाए, ये देखा जाए कि उसकी ज़रूरत पूरी हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही, उसकी मन्नत क्या है, उसकी ज़िंदगी में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उस ज़रूरत की पूर्ति के लिए सरकार कहीं ना कहीं नियम बनाए, तय करे स्थिति को हालात के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से आगे बढ़ाए। शायद आम आदमी की यही सोच है। बजट से पहले देश भर के लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, देश भर के किसान उम्मीद लगा के बैठे हैं और आम लोग भी ये सोचकर बैठे हैं कि शायद हो सकता है कि वित्त मंत्री के बजट में इस बार ऐसा पिटारा खुले कि उनके लिए ज़िंदगी में खुशियों की अपार संभावनाएं नज़र आएं। लेकिन सवाल उठता है कि आम जनता चाहती क्या है, किसान क्या चाहता है, गृहिणी क्या चाहती है, पब्लिक क्या चाहती है, बुज़ुर्ग क्या चाहते हैं, वो तमाम लोग क्या चाहते हैं, किस हिस्से के साथ सोचते हैं कि सरकार उनकी सोच को आगे बढ़ाए। तो चलिए ज़रा समझ लेते हैं आज ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात करते हुए कि देश का किसान क्या कुछ सोच रहा है, आखिर उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। और एक गांव में मैं हूँ, फरीदाबाद का ये गांव है, ये चौपारा है और आप देखेंगे यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि इस बार का बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, उनके हिसाब से क्या कुछ हो सकता है, उम्मीदें क्या हैं ये भी समझेंगे। तो पहला सवाल सिर्फ आपसे ये कि बजट पेश जब होगा उससे पहले कई बार उम्मीदें होती हैं कि कम से कम इस बार हमारे लिए तय किया जाए, किसान क्या चाहता है, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए सर, हम तो किसान लोग तो ये चाहते हैं कि एक तो जो DAP है इनका खाद है वो इन्होंने बहुत महंगा कर दिया, 1400 रुपये का एक बैग आ रहा है, उसको सस्ता किया जाए। बिजली जो कम आ रही है, बिजली पूरी दी जाए किसानों को कि जिससे अपना वो पूरी फसल उगा सके। बिजली आ रही है 8 घंटे में सिर्फ कटवट हो आके वो 4-5 घंटे मिलती है, तो उसमें पूर्ति पड़ती नहीं है। और जो इन पे किसानों के लिए जो है आय, जैसे कहते हैं कि आय डबल कर दी, आय डबल तो जब ही होगी ना कि जब उनको खर्चे कम होंगे, खाद सस्ता होना चाहिए और डीजल से जो भराई होती है 90 रुपये लीटर डीजल लेकर किसान कैसे भराई करेगा खेत की, तो डीजल किसानों को डीजल पे सब्सिडी देना चाहिए सरकार को कि जो उनको सस्ता डीजल मिले और उनकी लागत कम आए, इनकम ज़्यादा हो तब इनकम बढ़ेगी उसकी। तो खाद भी कम होना चाहिए, डीजल कम होना चाहिए। और जो बैंकों से किसान लोन लेता है अपना भरने के लिए, भाई बुआई करनी है या बच्चे की किसी की शादी करनी है, उसको ब्याज माफ़ कर देना चाहिए। यूरिया को लेकर किस तरीके से सोच है, उसको लेकर भी तमाम सवाल उठते हैं। देखिए सर, यूरिया भी महंगा है, जो पहले से सारा डबल कर दिया इन्होंने। महंगाई तो इस टाइम सबसे चरम पे चल रही है, मोदी सरकार वैसे सारे काम ठीक कर रही है लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, महंगाई बहुत है। और यही लोगों की परेशानी, कोई महंगाई बहुत है, सब्जी डबल, आटा डबल, तेल डबल, सब चीज़ तो महंगी हो रही है ना। असर पड़ेगा इलेक्शन में इसका, इन सब चीज़ों का आपके हिसाब से? विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, क्या ये मुद्दे रहने वाले हैं? बजट अगर आपके हिसाब से होता है तब भी, नहीं होता तब भी, क्या असर पड़ेगा चुनावों में? देखिए चुनावों में बहुत बड़ा असर जाएगा क्योंकि महंगाई से हर आदमी परेशान है, बिजली टाइम पे आने रही है, किसान सारा तराई तराई कर रहा है। आप गांव में सुनसान है, सब लोग खेतों में पड़े हैं कि बिजली आए, ट्यूबवेल चलाए तो खेतों में पानी दे, इसलिए लोगों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे तो जो अपनी BJP सरकार चल रही है उसका बंटा ढार होने जा रहा है हरियाणा में, हरियाणा में तो कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगी तो बाबू जी कुछ उम्मीदें हैं इस बार आपको, क्या लग रहा है किसानों के लिए क्या कुछ हो सकता है? और आपसे अगर मैं पूछूं तो किसान चाहता क्या है, क्या दिमाग में चल रहा है? किसान तो खाद पानी, अब नहर वा को पानी नहीं मिल रहा, बिजली भी नहीं आ रही, किसान खेती का हित करे, किसान तो परेशान है। मार जो किसान तो कहते हैं अब जंगल में पड़े, शॉप खाओ, घेरा खाओ, बिजली नहीं आ रही, 24 घंटा नवा है। कर्मचारी ऐसे, कोई कर्मचारी नहीं है, सगड़े गवर्नमेंट में एक आदमी है, क्या काहे करे गो, लाइट नहीं आ रही। जिम्मेदारी 24 घंटे में कितने घंटे आ रही है? खेतन वाली 8 घंटा की, 8 घंटा में 2 घंटा 2.5 घंटा मुश्किल मिले किसान है। कभी कह दें जी लेन खराब हो रही है, लेन बैठ गई, खंबा टूट गया, फलानी चीज़ होगी और ओडे बहाने लेकर और बिजली बंद। खाद बहुत महंगी हो रही है, खाद बहुत महंगी हो रही है, किसान खरीद ना पा रहे हो, और DAP भी, यूरिया भी, और जितनी भी दवाई सगड़ी सब महंगी हो रही है। चुनावों में कितना असर मानते हो बाबू जी, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में तो हर बातें वादों के साथ होती हैं किसानों के बारे में? सरकार हमारे यहाँ कौम करे तब तो है, अन्यथा कांग्रेस आ जाएगी। जब BJP सरकार इतनी महंगाई कर दी तो कांग्रेस आ जाएगी, असर पड़ेगा चुनाव, असर पड़ेगा चुनाव। कुछ और लोग भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, क्या नाम है सर आपका? जय सिंह जी। अच्छा, यहीं इस गांव में रहते हैं? जी जी जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जिंदगी में जब बजट आता है साल में एक बार, सबके टेलीविज़न शुरू हो जाते हैं देखने, वित्त मंत्री उधर से बजट पढ़ना शुरू करेंगे, आप लोग भी देखेंगे,
कितनी उम्मीदें रहती हैं उस बजट में, वो देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ इस बार किसानों के लिए कर्ज माफ़ी की बात की जाए, किसानों के लिए जो है वो स्मार्ट गाँव की बात की जाए, खेती के लिए यूरिया जो है वो सस्ता करने की बात की जाए, राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाएँ, इस टाइप की चीज़ें दिमाग में रहती हैं? जी जी जी, यहाँ पे हमारे यहाँ पे फिलहाल में कोई भी फैसिलिटी नहीं है। जब हमें नहर के पानी की ज़रूरत होती है तो नहर का पानी नहीं मिलता, जब बिजली की ज़रूरत होती है तो बिजली नहीं मिलती। गाँव में गलियों में आप घूम के देख लो, अब जो है थोड़ा बहुत सरपंच जो अभी फिलहाल में बना है उसने जो कुछ उसके पास में था वो लगा दिया। अभी गाँव में नालियाँ और चौक चौबारे जो जो इतने भी गलियाँ हैं सारी बेकार हुई पड़ी हैं। हमारे यहाँ एक रुपये की फैसिलिटी नहीं है फिलहाल में, पाखल गांव में फिलहाल स्थिति खराब आपको नजर बिल्कुल। उम्मीदें हैं बजट से? कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्यों? खाद कम हो रहा नहीं, पानी मिल रहा नहीं, दवाइयां वो महंगी, तो किसान करेगा क्या? आत्महत्या पे जाएगा, इससे और आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर यही रहा तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी आत्महत्या के सिवा कुछ भी नहीं है। कर्ज माफी कितनी बड़ी बात रहती है, बार बार बातें आती हैं कि कर्ज माफ किया जाए किसानों पे जो कर्जा चल रहा है, आपको लगता है कर्ज माफ होना चाहिए? क्यों कर्ज माफी को झूठ बोले हैं जी? ये सरकार झूठ बोलती है, कोई कर्ज माफ नहीं होता। कह देते हैं जब इलेक्शन आता है कर्ज माफ है भाई, हाँ जाओ बैंक में, कोई कर्ज माफ नहीं है। काहे का कर्ज माफ? कौन कहता है? लियाओ लिख के लियाओ, लिखवा के किससे लिखवा के ले? कोई कर्ज माफ नहीं होता, ये झूठ बोलते हैं। सरकार जुगलेबाजी करती है। पिछले कुछ सालों में किचन में, घर के किचन में आर्थिक बजट के रूप पर अगर मैं देखूं, हालात किस तरीके से बदले? क्या खर्चा बढ़ा, आमदनी कम हुई, क्या हालात बने? हर चीज़ में महंगाई की आप बात का जिक्र कर रहे हैं, कितनी परेशानियां बढ़ी पिछले 5 साल में 6 साल में, और कितनी उम्मीदें आपको लगी कि अब क्या करूं मैं क्या ना करूं? इतना बढ़ गया जब टमाटर 20 रुपया किलो, अब टमाटर कम से कम 250 रुपया किलो ले लो। टमाटर है, आलू है, प्याज है, दाल है, यही तो चीज़ खाएंगे गरीब आदमी या लोग, आम जनता खाती है, सभी खाते हैं, बड़े भी छोटे भी। अब आल टमाटर का भाव 250 रुपये किलो। अच्छा चलो ठीक है, अब आप मुझे ये भी समझा दो कि आप चाहते क्या हो? वित्त मंत्री अगर ये बात सुन रही हो तो क्या सुने कि भाई हाँ किसान ये चाहता है, किसान तो चाहता ये चाहते हैं भाई इस पे महंगाई पर रोक लगा, थोड़ा इसको डाउन करें जिसे आम जनता खा सके, सभी लोग खा सके। अब इसको अब कोई भी आदमी आलू और टमाटर की रेहड़ी नहीं लकड़ी चली जा, कोई भी 1 किलो भी न ले, कोई 1-2 रही से जो ले लें। अपन घिया 60 रुपये किलो बिक रहा, बताओ घिया तो रही, ये दाल अब ये तो आम है तो इसका कोई हिसाब नहीं है। आपको लगता है बड़ा मुद्दा है और शायद यही सोचते हैं। अच्छा रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है भाई यहाँ पर? रोजगार पूरे मुद्दा जी है ही ना, रोजगार कहीं भी दूर दूर तक। आप क्या करते हैं? मैं तो घर बैठे हो जाऊँ घर बैठे और 2.5-3 साल से जी। अच्छा हाँ जी, और बीएड कर रखे जी, रोजगार है ना दूर दूर तक, बीएड भी कर रखा और 7 लाख पद खाली, एक भी न लगाते, भर्ती नहीं करते, झूठ बोलते, इतनी भर्ती कुछ नहीं कहीं दूर दूर तक, पूरे देश बेरोजगार है जी, सब बेरोजगार है, एक बार A to Z जी, पूरे परिवार भाई मेरे 3 बार टेस्ट दे लियो अभी तक क्लियर ना हुए, पहले 55 नंबर आए, अब 65 नंबर आए, लिस्ट लगाई 72 नंबर पे, पहले 65 पर लिस्ट लगाई, हर बार लिस्ट बढ़ाते जा रहे। कितने साल से अटैम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नौकरी? 4-5 साल से जी। 4-5 साल से बेरोजगार हैं? बेरोजगार का बीए बीएड होने के बाद फिर भी बेरोजगार है जी। कई बार दुख होता है, लोग सोचते हैं करे तो करे क्या? बहुत ज्यादा दुख है जी, क्या करे, है नहीं कुछ अपने बस की। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, नेताजी घर पे आएंगे, हैं तमाम बातें की जाएंगी, चुनावी वादे किए जाएंगे, एक आ जाएगा 10 लाख नौकरियां देंगे, मैनिफेस्टो जब जारी होता है, चुनावी घोषणा पत्र किसी भी प्रदेश में जब सरकार से पहले चुनावों से पहले उसमें बात होती है कि हम 10,000 लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, इस बार भी होगा तो आएगा जो बंदा तो उससे पूछेंगे भैया वो पिछली बार की स्थिति क्या है, इस बार की क्या है? कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? मुद्दा जी बहुत बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई, आप किसी चीज को देख लो, आप कोई भी चीज उठा लो, आप सब बेकार है दूर दूर तक, हाँ जी कुछ भी नहीं कहीं भी। शायद आप समझ सकते हैं युवा हैं, जब जेब में पैसा ना हो, जब परिस्थितियाँ इतनी बुत्तर हो तो आप सोचे क्या करें, क्या करते हैं आप? मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी कहाँ पर? मैं नॉर्मली 10,000 रुपये की नौकरी करता हूँ। 10,000 और क्वालिफिकेशन क्या है अपनी, पढ़ाई लिखाई? बीए पास है। क्या उम्र है अपनी? 30 साल में 10,000 रुपये आप कमा रहे हैं, घर तो कैसे चल रहा? नहीं चल रहा, नॉर्मल 10,000 से ऊपर तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है, 6,000 बच्चों की फीस है स्कूल की, क्या कर लेगा बंदा, क्या करेगा इसमें, स्कूल की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, दवाइयाँ वो महंगी। क्या चाहते हो सरकार से, अगर वित्त मंत्री आपकी बात सुन रही हो तो क्या आप कहोगे कि भाई ये काम आप चाहते हो, ये काम होना चाहिए? मैं ये कि भाई ये शिक्षा
और ये अपनी स्वास्थ्य का स्वास्थ्य विभाग, इससे गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोग को पूरी सुविधा दी जाए। सरकारी स्कूल अच्छे हो, ये प्राइवेटों की जो ये इतनी महंगाई हो रही है, अपनी दादागिरी चल रही है स्कूल की, ये कम की जाए। और स्वास्थ्य विभाग से मजदूर किसान लोग को पूरा इनकी पूरी व्यवस्था मिली जाए। किसान क्या चाहता है? किसान तो मजदूर, ये किसान तो अपना बेचारा हर तरीका से परेशान है, महंगाई से, उससे उसकी फसल मर जाती है, अब बारिश होगी उससे खराब हो जाएगी, फसल हो जाएगी, कुछ नहीं मिल पाएगा। अपना किसान जितना लगाता है ना, तो लेता भी नहीं है। आपको लगता है फसल पे इंश्योरेंस की बात जो की जाती है वो भी होना चाहिए? बिल्कुल कम रेट पर चीज़ों पर, बिल्कुल होना चाहिए। फैसला रहेगा अगर होता है ऐसा, बहुत अच्छा रहेगा ये फैसला किसानों के लिए कि अगर फसल खराब हो रही है तो उस पर इंश्योरेंस दिया जाए कुछ चीज़ें के उसको। हाँ, क्या आपको लगता है ये बड़ा मुद्दा हो सकता है? पिछली बार भी बातें निकल के आई कि किसानों के लिए कि भाई फसल पे इंश्योरेंस मिलना चाहिए, फसल खराब हो जाती है तो इंश्योरेंस की बात अगर की जाए कम पैसा लगा। पीछे सरकार ने, मोदी जी ने स्कीम चलाई थी, हरियाणा गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी कि भाई अपने खेतों की फसल की वो बीमा करा लो। लोगों ने बीमा कराया भी, लेकिन उसका जब फसलें खराब हुई तो लेकिन उसका मुआवजा नहीं मिला। उस टाइम पता ही नहीं लगा, रिलायंस से इनसे ठेके दे दिए थे, सब किसानों ने कराई, हमारे गांव से भी काफ़ी लोगों ने कराई थी, मैंने खुद ने भी कराई थी। लेकिन जब ओलावृष्टि हुई, ओले गिरे, उससे बारिशों से फसलें खराब हुई, तो जब उनका क्लेम लेने का नंबर आया तो क्लेम देने वाला कोई नहीं था। सारा एकदम वैसे प्लानिंग थी, पैसा ले लिया, क्लेम दिया ही नहीं जी। तो यही तो परिस्थितियाँ हैं, आप यहाँ देखेंगे गाँव के तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे। यहीं के रहने वाले? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? क्या क्वालिफिकेशन अपनी? पढ़ाई कितने हैं? पढ़ाई 10वीं तक करी। अच्छा, ठीक है। अच्छा बताइए, किसानी परिवार से हैं? हाँ जी, किसान परिवार से। हाँ जी। किसान के रूप में आप सरकार से क्या चाहते हैं? भाई ये काम जरूर होना चाहिए हमारे यहाँ, ये काम नहीं हो पाया मेरे यहाँ, क्या सोचते हैं, क्या जरूरत है किसान, अगर आप पूछो तो? किसान को सब जरूरत है जी, नो लाइट आती थी, नो खेतों में पानी, नहर भी टाइम तक नहीं आती जी, सब सुविधा चाहिए ना जी किसान को जी। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? रोजगार तो हम भी रोजगार जी, अब जॉब कर रहे हैं 10,000 की जी। लेकिन बड़ा मुद्दा रोजगार। हाँ जी। आपके लिए क्या करते हैं आप? मैं बीए फाइनल कर लीजिए। बीए फाइनल, जब लोगों को देखते हैं वो बीए बीएड हैं, है ना, ये उनको भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, टेंशन होती है दिमाग में कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, विश्वास उड़ जाता है जी, रोजगार ही नहीं तो पढ़ाई करके क्या करेंगे। वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं, क्या वो कहें आपके लिए, क्या वो करें, क्या बजट में आपके लिए करें, क्या बोलें? हम ये कहना चाह रहे हैं जी, रोजगार निकाले। अब जैसे अग्निवीर थी, वो फौज की भर्ती थी, पहले वो 15 साल की थी, अब वो 4 साल की कर दी है, ये उससे तो वो नहीं है, बच्चों का मन उछल गया, उसे मन चंचल हो गया कि हम फौज में नहीं जाएंगे। कई घने बच्चे थे जो फौज के प्रति आकर्षित थे, पर वो नहीं है। खासकर हरियाणा में तो ये बहुत क्रेज था, हरियाणा में तो ये बहुत क्रेज है कि बच्चे फौज में जाए, देश की रक्षा करे, सब सौदा, पर अब नहीं है, अब बच्चों का मन उछल गया। तो युवा क्या सोचते हैं, किसान क्या सोचते हैं, हमने आपको एक तस्वीर दिखाई, किसी और गांव में चलते हैं। इस गांव की तस्वीर और इस गांव की स्थिति आप समझ चुके हैं, गांव में किसानों के हालात भी आप समझ चुके हैं, आप ये भी समझ चुके हैं कि आखिर किसान चाहता क्या है वित्त मंत्री से। बस उम्मीद है, उम्मीदें पूरी हो जाएँ तो बेहतर हैं, और ना हो तो हर साल की तरह इस बार भी किसान खुद को ये सोचता नजर आएगा, चलो जैसे पिछले साल गुजरे इस साल भी गुजर जाएगा। किसी और गांव में चलते हैं, वहां भी समझ लेते हैं कि वित्त मंत्री से आखिर कितनी अपेक्षाएं, कितनी उम्मीदें, क्या सोच रहे हैं, और आखिर चुनावी मौसम में ये बजट कितना ज़्यादा हरियाणा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और लोगों की सोच क्या है। चलिए, फरीदाबाद के दूसरे गाँव में हम आ चुके हैं, हरियाणा में जाकर लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, और वित्त मंत्री के बजट से पहले जनता क्या सोचती है, किसान क्या सोचते हैं, क्या इस बार वो उम्मीद कर रहे हैं, ज़रा समझ लेते हैं। तो इस गांव के किसान मेरे साथ हैं, अगर मैं पूछूं वित्त मंत्री के बजट से पहले दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, किसान आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या डिमांड करते हैं, क्या परेशानी है? किसान को जो किसान की चीज़ें हैं मार्केट में बेचने जाता है उसकी कीमत सरकार रखती है, और जो सरमाएदार है जो कीमत जो कोई चीज़ निकालती है अपनी कंपनी से वो कीमत खुद चुनता हूँ, उनकी मनमाने दाम लेते हैं। हमारा दूध, हमारे खल चारा जो है पशुओं का वो 55 रुपये किलो है, ठीक, और हमारा दूध जा रहा 45 रुपये किलो गांवों में। तो जिम्मेदार के लिए को क्या फैसिलिटी, कुछ फैसिलिटी नहीं जिम्मेदार के लिए। अरे 100 मन अनाज बेचने जाते हैं मंडी में, साल में एक बार जाते हैं, बार बार तो नहीं जाते ना, उधर नवम्बर में जाते हैं,
उसमें भी क्या नाम जो सरकार के रेट रहता है, हमारा कोई अपना रेट नहीं है, नहीं हमें उसमें कोई। सरकार ने जो रेट बढ़ाया है धान पे, रेट बढ़ाया है चीज़ों पे, रेट बढ़ाया आपके धान पे रेट, धान पे तो रेट आप बढ़ाएं क्यों कि जो अब हमारा माल शर्मादार के कोठरी पहुँच गया, देश के जो बिचौलिया होते हैं उनके कम रेट के वजह से आप अपना बेच देते हैं और आपको असल दाम नहीं मिल पाते। जमींदार के पास इतनी कोई वो नहीं है, क्षमता नहीं है कि जो दो महीने चार महीने छः महीने अपने घर के अंदर कंट्रोल रूम में रोक ले, वो तो तुरंत उतना ही कमाता है, किसी कर्ज लेता है, पैदावार करता है, उसको फिर कर्ज वाले तंग करने लगते हैं तो तुरंत अपना वो फसल को बेच देता है। अगर मैं आपसे पूछूं, वित्त मंत्री अगर आपको सुन रही हूं, तो किसान के तौर पर आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, क्या सोचते हैं, क्या डिमांड करते हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? किसान की तो यही है जो ये बता रहे हैं कि किसान का किस रेट पर वो लेते हैं, किस रेट पर वो देते हैं, यही है। आपको लगता है कि कम से कम रेट फिक्स किया जाए और सही रेट के हिसाब से सरकार हमारा माल पूरे दाम से ले, हमारे पूरे दाम से ले, सरकार हमारे दूध का रेट बढ़ाए, बाजरा का रेट जरूर बढ़ाया, अब की बार मंत्री बढ़ाया ना। अच्छा ये बताओ जरा, इन सब चीजों से आप देख रहे हो कि चाहे फसल का रेट सही ना मिल पा रहा हो, चुनाव भी आने वाले हरियाणा के, क्या इन चुनावों पर असर पड़ने वाला है इस बजट का आपके हिसाब से? जी हाँ जरूर पड़ेगा, अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी। पहली बात तो देखो आप, कीचड़ भरे पड़े गाँव में, गाँव आधा हमारा मोहल्ला डूबा पड़ा पानी था, देख लो चल के असर ही आने भाई सब। और हरियाणा में मिली जुली बनेगी जी, एक तरफ से तो आने नहीं है जी। अच्छा हाँ, बहुमत वाला हिसाब दिखेगा, बहुमत वाला ज़्यादातर कांग्रेस आएगा जी। अच्छा हाँ जी, और ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस की ऐसा क्योंकि जो जो नहीं ऊपर के नेता सही हैं लेकिन जो कार्यकर्ता नीचे वाले वो खराब है। 70 आदमियों के पेंशन कटी पड़ी, 70 आदमी बुजुर्गों की, जबकि जिंदे और जिंदे वो मरे दिखा रखे, बताओ सरकार के खिलाफ जाएंगे क्या करेंगे। तो गांव-गांव में जाकर लोगों से हम बात कर रहे हैं और एक और गांव में मैं पहुंचा हूं, वहां के तमाम लोग मेरे साथ हैं। सवाल सिर्फ इतना कि आखिर वित्त मंत्री के पिटारे में इस बार क्या कुछ निकलने वाला है, बजट में क्या उम्मीद करते हैं किसान और किस तरीके से लगातार सरकार से आस लगाए बैठे हैं, और चुनावी मौसम में बजट कितना ज़्यादा कामगार होने वाला है ये भी समझ लेते हैं। तो पहला सवाल ये कि किसान के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए होनी चाहिए, क्या क्या ऐसे प्रावधान आपके लिए आएँ जिससे आपको असर पड़े? देखो फसल और कृषि, किसान तो बिजली और पानी पे डिपेंड ज़्यादा करता है, अगर किसान को बिजली फ्री मिले, पानी की सुविधा टाइम से मिले और खाद सामग्री टाइम से और सस्ता मिले तो किसान प्रोग्रेस कर सकता है। किसान के खाते में सरकार हर साल 6,000 रुपये डालती है, उस 6,000 को ना डाल के उसको जो खाद सामग्री है, जो अपने बीज है या जो खाद है वो सस्ते मिले तो किसान और अच्छी खेती कर पाएगा। अब क्या है, खेती करना बहुत महंगा हो रहा है, खाद सामग्री बहुत महंगी हो रही है, फसल के लिए सिंचाई के लिए बिजली महंगी हो रही, बिजली टाइम पे नहीं मिल पाती है, आप खेत जुताई के लिए ट्रैक्टर ले आओगे 1,000 रुपये की जुताई होती है किला के एक बार, तो किसान भी कहीं हद तक जो है फसल के रेट ने सही नहीं मिल रहे हैं और फसल करने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, महंगा हो रहा है। क्या आपको ये लगता है कि शायद जो कर्ज माफ़ी की बात की जाती है और वो हुई भी, फसल के बीमा की बात की जाए तो बीमा कई किसानों का ना मिल नहीं पाता, क्या ये प्रावधान भी कहीं ना कहीं क्लियर होने चाहिए आपके हिसाब से, या क्या दिमाग में चलता है? सर जो जितनी भी ज़्यादातर पॉलिसी है ना, ज़्यादातर सिर्फ कागज़ों पे रह जाती, धरातल पर आकर किसान को सुविधाएं नहीं मिल पाती है। 2 साल से हम भी प्रेजेंट सरपंच है, किसान को अगर जो सुविधाएं सरकार दे रही है वो ज़मीनी लेवल पर मिले तो किसान शायद अपना कुछ कर पाए, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह जाती है, जो बड़ी सोसाइटी के किसान है वो उसका फ़ायदा उठा जाते हैं, छोटे किसानों को उसकी सुविधाएं नहीं मिलती। चुनावी मौसम है क्योंकि हरियाणा के चुनाव जब आने वाले हैं, ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले ये बजट जो आ रहा है क्या ये वाकई असर डालेगा, क्या उसका फर्क पड़ेगा? देखिए ये तो जब बजट आएगा तब पता चलेगा वो किस तरह का बजट पेश करते हैं, किसकी कीमत बढ़ाते हैं, किसकी घटाते हैं, हम पहले से क्या बता दें, लेकिन चुनाव आने से सरकार को ये डर तो बना हुआ है लगातार और चुनाव के हिसाब से ही अपना बजट पेश करें। क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं, ये बताइए मुझे क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट सर, ग्रेजुएट है। जो पढ़ाई की उसके हिसाब से रोजगार मिल पाया? नहीं नहीं मिल पाया। कई बार लगता है कि जो बातें की जाते हैं, बातें कही जाती हैं, 10 लाख नौकरियां लगवा दी हम लोगों ने इस साल, जो है एक साल में हमने 1 लाख लोगों को नौकरी दे दी, क्या सच में वैसा इस क्षेत्र में हुआ? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। साथ के कितने लोग बेरोजगार हैं? ज़्यादातर तो लोग 70% लोग बेरोजगार हैं, 70% बेरोजगार है, किसी ने अपने काम करे, भतने काम रहे, देखो ये सब हालात है, खड्डे गाड़ी खड़ी है, सब अपना काम कर रहे हैं, वो भी ऐसे बंद हुए पड़े देख पड़े। अगर वित्त मंत्री आपको सुन रही हो मान लीजिए तो क्या कहना चाहिए, आपको दिमाग में क्या चल रहा है कि ये चीज़ होना चाहिए
क्या रोजगार रोजगार के लिए क्या रोजगार के लिए नौकरियां बढ़ानी चाहिए, क्या दिमाग में चल रहा है? अगर आप भाई बताइए बारे में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे में कोई नौजवान बारे में भाई बताइए क्या लगता है, क्या होना चाहिए, कुछ नौकरी मिलनी चाहिए? यही है जी, सबको बढ़िया नौकरी मिले बस, और क्या। ऐसा ज्यादातर सारे यंग उम्र के लड़के सभी बेरोजगार डोल रहे, सबको नौकरी मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या क्या हो सकता है? रोजगार बड़ा मुद्दा रहेगा। हाँ, रोजगार तो सबसे अच्छा मुद्दा रहेगा। और चुनावों में कितना बड़ा मुद्दा रहेगा हरियाणा के? चुनावों में भी खूब बड़ा मुद्दा रहेगा रोजगार का, रहेगा। हाँ, आपको लगता है कि शायद इस बार जब नेताजी घर पे आएंगे तो आप उनको बोल पाएंगे कि भाई हमें ना रोजगार मिल पा रहा है ना नौकरी मिल पा रही है, घर में स्थिति है कि बीए पास लड़का जो है वो 8,000-10,000 की नौकरी कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम उसको जो भी चुनाव के लिए आएगा उनको साफ साफ बोल दी जाएगी कि हमें पहले रोजगार दिलाए, जब जाके कोई आगे की बात। किसान परिवार से हैं? किसान परिवार। कितनी जमीन अपनी? अपने 2 किले जी। 2 किले। कितना ज़्यादा असर पड़ता है जब पिताजी को देखते हैं कि मेहनत कर रहे हैं और उस हिसाब से कमा नहीं पा रहे? बहुत ज़्यादा मेहनत पड़े जो लगता है कि इतना पैसा लगाने के बाद भी अचानक ओलावृष्टि होती है, फसल बर्बाद हो जाती है, फसल का बीमा नहीं मिल पाता, ये फ़र्क पड़ती है? हाँ जी पड़े। अगर वित्त मंत्री सुन रहे हो आपको तो क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि कम से कम वो इस बात को समझें और आपके हिसाब से बजट में प्रावधान लाएँ, क्या दिमाग में चल रहा है? यही करना चाहिए जी, करनी चाहिए जी। नौकरी कितना बड़ा मुद्दा है? रोजगार, रोजगार तो बहुत बड़ा है जी, 70% बालक नीड हो रहे हैं। अच्छा, अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग मुद्दों के हिसाब से लोग अपनी बात को रखते भी नज़र आते हैं। साफ सी बात है कि जब बजट की बात की जाए तो हर आदमी सोचता है कि हमारी ज़िंदगी का जो बजट ख़राब हुआ है, शायद हो सकता है कि वित्त मंत्री के बजट में इस बार उनके हिसाब से कुछ चीज़ें हों, और चुनावी मौसम भी चल रहा है। मेरे साथ एक शख्स हैं जिन्होंने अपनी परेशानी को रखा, आप बताए थे कुछ ट्रांसपोर्ट में दिक्कतें आईं तो आप लोग इस बात को लगातार उठाते नज़र आए, क्या दिक्कत है? सर, ट्रांसपोर्ट में ये दिक्कत आई, हमारी आरसियाँ सस्पेंड कर दी गई फरीदाबाद आरटीओ ने, और हम हर मिनिस्टर, हर नेता, हर बड़े अफसर और जितने भी हमारे जो मान्य अधिकारी हैं उनके पास, सबके पास हुआ है, आश्वासन कोई नहीं देता, सिर्फ ये कहते हैं कि आपकी गाड़ी राजस्थान से, जब हमारी गाड़ी यहाँ से रजिस्टर्ड है फरीदाबाद से, हरियाणा से, फरीदाबाद से, तो राजस्थान या अदर स्टेट हमारी गाड़ियों को सस्पेंड नहीं कर सकती, ब्लैकलिस्ट जरूर कर सकती है लेकिन आरसी को सस्पेंड नहीं कर सकती। और हमारे इलाका नुकसान हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोग बेरोजगार हुए हैं सब चीज़ों से? लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं और कम से कम हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति ये आपके सामने खड़ी हुई है, आप एक बार कैमरा घुमा के दिखाएं। अच्छा, इधर ही समझाइए कि जब नेताओं के पास आप जाते हैं, अब तो इलेक्शन आ रहे हैं, चुनावी मौसम चल रहा है, तो क्या आश्वासन आपको मिलते हैं, क्या बातें कही जाती हैं, और इलेक्शन के टाइम में कितना बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए रहेगा? देखो जी, इलेक्शन के दौर में वोटों के लालच में नेता कह देते हैं, करते कुछ है नहीं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, हमारा समय बर्बाद करते हैं और करते कुछ है नहीं। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर उधर, जो जितनी भी खड़ी हैं ये सारी सस्पेंड हुई खड़ी हैं, इनका कोई रखवाला नहीं है, कोई इनका हमदर्द नहीं है, इनको 2 साल होगी, कीमत से ज़्यादा ऑनलाइन चालान है। जितने चाहते हैं कि कम से कम अगर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इसको समझे और वित्त मंत्री इस बात को रखें कि भाई जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके चलानों को थोड़ा कम किया जाए, राहत दी जाए, ये बात आप बोलना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, हम सहमत हैं, सरकार के साथ हैं, आपके साथ हैं और ब्रादर के साथ हैं, जो जैसा करेंगे वैसे करने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि शायद ये राहत मिलनी चाहिए ट्रांसपोर्ट में, कम से कम चलान न कटे हैं जो उसको हटाया जाए, उसमें छूट दी जाए? हाँ, छूट दी जाए, शायद यही सोच है जी। बताइए, ये सरपंच साहब हैं, इनसे पता। नमस्कार जी सर, हमारे यहाँ जो मेन धंधा था ना, जो व्यापार था, जो कार था, डंपरों का ही था, ट्रांसपोर्ट का था, क्रेशर जोन के होने से हमारे माइंस मिनिस्टर भी रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने 5 साल में जो भी किया ना, ट्रांसपोर्ट का ख़राब हो गया उससे। इन गाड़ियों की इतनी कीमत नहीं जितने इन पर ऑनलाइन चलान हो गए, इनके आरसी सस्पेंड होगी। ये तो एक गांव की हालत है कि गांव के स्टैंड पर खड़े हो आप, ये लेकर अनंगपुर से लेके और 12-15 गांवों की यही हालत है। चुनावों में यह मुद्दा आपके लिए कितना बड़ा रहा, ये 2 साल में तो आप लोगों की हालत ख़राब हो गई होगी। और जी, इनमें जाते आश्वासन देते लेकिन ज़मीनी तौर पर कुछ नहीं करते, सिर्फ आश्वासन देते और किसी में हमारी कोई गलती नहीं, अपने आपे का बचाव करते, जबकि वो खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ऑनलाइन चलान को भी हटा सकते हैं, गाड़ी के पेपर जो अनकम्प्लीट है वो भी कम्प्लीट हो सकते हैं वो चाहे तो, लेकिन वो पब्लिक की नहीं सुनते, सिर्फ वो राज कर रहे हैं अपना अपने तरीके। तो परिस्थितियाँ हैं, हालात हैं, उन हालातों के हिसाब से आदमी जूझता हुआ नज़र भी आता है।
चुनावी मौसम में अगर बजट आएगा तो हर कोई उम्मीद भी करता है, और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये बजट हरियाणा के लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाला है। किसान अपने हिसाब से ये सोचता नज़र आता है कि हो सकता है पिछले कुछ सालों में जो कुछ गुजरा उस हिसाब से परिवर्तन हो, उसके हिसाब से सोचा जाए, उसके हिसाब से ये तय किया जाए कि जो भी दिक्कतें हैं, जो फसल का दाम नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं वो मिल पाए, और उसी उम्मीद के साथ बजट की तरफ वो उम्मीद लगाए बैठा है। साथ साथ वो भी ये जानता है कि शायद चुनावी मौसम में उसके बारे में थोड़ी बहुत सुध नेता लें और उसका ध्यान रखें। कैमरा पर्सन कालीकांत के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 हरियाणा। We'll be right back.